second session of communication. What a communication requires? It requires two parties. One, the good listeners, and second, the good communicators. Concentrate, open mind, ask questions, avoid prejudices, focus on speaker, non-verbal clues, sitting position, and take notes. What exactly does this mean? It means that the listeners have to concentrate with open mind, asking questions without prejudices. Focusing on the speaker's non-verbal clues, his actions, his body language, be attentive and be in a good sitting position and taking the notes. This is what exactly is required to be. Now we are having 10 fundamentals of communication. Content: what to speak, simple points, sequential order, avoid speaking, unwanted things. सबसे जरूरी है कि आप ये जाने कि जो है आपको क्या बोलना है. सिंपल लैंग्वेज में सिंपल पॉइंट्स बना करके जो है उन्हें आप अपने ऑडियंस को समझाएं. सीक्वेंशियल ऑर्डर, पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा. अवॉइड स्पीकिंग अनवांटेड थिंग्स, जो ना जरूरी हो वो चीज़ें ना बोली जाएं. पोस्चर, यू आर स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग, सिट और स्टैंड टॉल, इट्स अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस. यस, डेफिनेटली इट शोज दैट हाउ गुड यू आर एंड हाउ गुड यू आर लिसनिंग टू द स्पीकर. डिस्टेंस एंड कॉन्टैक्ट, द कम्फर्ट जोन, द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर द वंस. नेक्स्ट इज वॉइस, सेम टोन, नो थ्रिल नीड्स मॉड्यूलेशन. आई कॉन्टैक्ट, ऑलवेज बी इन द कॉन्टैक्ट ऑफ योर आईज विद द स्पीकर. ह्यूमन आईज आर द गेटवे ऑफ कम्युनिकेशन, सो ऑलवेज मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट. फेशियल एक्सप्रेशंस, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड. फेशियल एक्सप्रेशन मीन्स 80% मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन इज डन बाय द फेस. आपने देखा होगा कि जो लोग बोल नहीं सकते वो इशारे के साथ बहुत कुछ समझा जाते हैं. जब आप किसी के सामने बैठे होते हैं तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको अंदाजा हो जाता है कि वो आदमी क्या सोच रहा है, और उस वक्त उसके हाव भाव बता देते हैं कि वो कितना अटेंटिव है और कितना जो है वो गलत या झूठ बोल रहा है. नेक्स्ट इज जेस्चर्स, मोर ऑब्जर्व देन वर्ड्स. अ बैलेंस्ड जेस्चर, जितना आदमी बोलता है उससे ज़्यादा जो है उसके एक्शंस बता देते हैं. एक्सेसिव जेस्चर्स, अवॉइड इट. बॉडी लैंग्वेज, इट शुड बी वेरी गुड. फ्लुएंसी, आपके स्पीच के अंदर एक फ्लुएंसी होना बहुत ज़रूरी है. फ्लुएंसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मेमोरी, सबसे पहले आप जो बोल रहे हैं वो आपके दिमाग में पहले आ जाए. उसके बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं आपके आवाज़ के अंदर एक वजन होता है. तीसरा, ब्रीदिंग, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पर आपको ब्रीथ करना चाहिए. शटर एंड स्टैमर, स्पीक क्लियरली एंड कंसाइसली. कोशिश की जाए कि जो कुछ भी आप बोलना चाहते हैं वो आपके क्लियर शब्दों में, साफ शब्दों में सामने वाले तक पहुँचे. टाइमिंग, टाइमिंग इज गॉड. Whom to speak, when to speak and what to speak. Speak not too fast, but speak wisely. यानि आपको ज़्यादा तेज नहीं बोलना है, ज़्यादा स्लो नहीं बोलना है. स्लो बोलेंगे तो भी लोगों को समझ में नहीं आएगा, तेज बोलेंगे तो भी लोगों को समझ में नहीं आएगा. इसलिए जब भी आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ में न तेजी हो और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो हो. नेक्स्ट इज लिसनिंग. This is the most important skill of communication. It gives you information, respect, recognition. It attracts the people. Get things done effectively. Do not pick the unessentials. जो जरूरी ना हो उसे कृपया पिक ना करें. Third is ask yourself, are you really listening? Thinking about your reply, what should be that? How to improve communication skills? Content should be clear. Posture should be good. Distance and contact should be kept. Voice should be audible and it should be understandable. Eye contact must be there. With your facial expressions and gestures, you can make the audience attractive. Fluency in the sentences is most important. Timing and listening, these are the two major factors which you have to take care when you are listening to a speech or the speaker. That will give you a lot of things to understand. While conversing with others,
I usually do most of the talking. I try to equalize my participation in the conversation. What exactly this means? This means that I'm usually do most of the talking means मैं बोल रहा हूँ, सामने वाला कुछ नहीं सुन रहा है या सामने वाले को मैं बोलने का मौका ही नहीं दे रहा हूँ. This type of conversation is not effective. So what exactly should be? You should equalize your participation in the conversation. सामने वाले को भी पूछने का बोलने का उतना ही मौका दें जितना आप बोलना और समझना चाहते हैं. Next is when you meet a stranger for the first time, you wait for the other person to make the introduction first or you introduce yourself with a smile and a offer of handshake. आपकी तरफ से अगर ये initiative लिया जाता है तो सामने वाले के ऊपर बहुत अच्छा impact पड़ता है. अगर आप किसी भी आदमी के अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का इंतज़ार करते हैं, इट मीन्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग दैट पर्सन एट द फर्स्ट ग्लांस. नेक्स्ट वी विल टेक अप द टॉपिक वंस अगेन इन आवर नेक्स्ट सेशन.